नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम डेली शाम को 7 बजे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ साथ जो भी अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है उनको भी जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ से जो है आज कोई भी जो है बड़ी नोटिफिकेशन नहीं आई है। और हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो सबसे पहले जो अपडेट है वो पोस्ट कोड 772 की है, जो कि जूनियर ऑफिसर आईटी से संबंधित है। इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 5 पोस्टें थी और आज जो है इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। नंबर ऑफ 5 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। 22 दिसंबर 2021 को जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी और आज जो है इनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी फाइनल रिजल्ट से संबंधित है। ये अपडेट पोस्ट कोड 858 की है, जो कि रिस्टोरर से संबंधित पोस्ट कोड है। इसमें SC ओपन में एक पोस्ट थी और एक ही कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुआ है, जिनका नाम कुलदीप कुमार है। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। एक और लास्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आई है, जिसमें एक होनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो है एक कैंडिडेट जिसको जो है रिजल्ट पटिशनर के अंडर जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो पूरी डिटेल जो है आप खुद ही जो है वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में जान सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट आज की रही है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से रही है। आज उनकी तरफ से जो है न्यू रिक्रूटमेंट का जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 270 प्लस जो है पोस्टें शामिल हैं। 29 उसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो है उसमें पोस्टें मेंशन करी गई हैं। जिसमें हम बात करें तो आपको क्लर्क, JIT, जियो अकाउंट, PN और जो अदर ग्रेड बी की पोस्टें हैं वो उसमें देखने को मिल जाएंगी। इससे संबंधित हमने आपको पूरी जानकारी पहले ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है। उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और अपडेट है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी से आई है। ये भी न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो इसमें देख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग 5 जनवरी 2022 से हो रही है। और हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 जनवरी 2022 को जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। कौन कौन सी पोस्टें हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पर मेंशन करी है, इसके ऊपर भी आप जो है ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसमें भी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी A, B और C कैटेगरी की पोस्टें हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी A को देखते हैं, जिसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की एक पोस्ट है और ग्रेड पे भी आप दे सकते हैं लगभग 1 लाख से ऊपर जो है सैलरी होगी। दूसरे नंबर पर डिप्टी रजिस्ट्रार, इसकी जो 2 पोस्टें हैं ग्रेड पे इसमें 7800 है और साथ में जो बेसिक DA सभी जो इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो हैं 2 पोस्टें हैं, सेक्शन ऑफिसर की जो है इसमें 3 पोस्टें हैं। कैटेगरी B देखते हैं, जिसमें प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की भी जो इसमें 1 पोस्ट है। और आगे नंबर 7 है, जो कि सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 से संबंधित है। इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं। इसमें जितनी भी पोस्टें डिवाइड करी गई हैं उन सभी का जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। उसकी जो है अलग से PDF जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें कुछ पोस्टें रेगुलर बेसिस के ऊपर होंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर और कुछ जो है डेली बेसिस के ऊपर होंगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी वो C है, जिसमें सीनियर असिस्टेंट की जो है 11 पोस्टें हैं, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट, जूनियर फोटोग्राफर की 1 पोस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्टें और जूनियर टेक्नीशियन की 8 पोस्टें और ड्राइवर की जो है इसमें 2 पोस्टें हैं। नेक्स्ट कैटेगरी D को देखते हैं, जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, PN की 14 पोस्टें हैं और माली की जो इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट हम इसकी फीस की बात करें तो जो कैटेगरी हैं A, B, C और D उनमें जो है अलग अलग फीस जो इसमें चार्ज करी जाएगी। हम क्लास A की पोस्टों की बात करें तो इसमें 2000 जनरल ओपन के लिए और SC ST OBC के लिए जो है उसमें 1000 फीस है। इसमें हम जनरल EWS की बात करें तो उनके लिए भी जो है क्लास A में 1000 फीस है। क्लास B की बात करें तो जनरल ओपन में 1800 और कैटेगरी C और D की बात करें तो 1200 जो है इसमें फीस चार्जेस की जाएगी। और अदर्स जो कैटेगरीज हैं क्लास B के लिए 900 और क्लास C और D के लिए जो है 600 इसमें चार्ज किया जाएगा। जो एक्सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश हैं उनके लिए जो इसमें कोई भी फीस नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज है वो 18 ईयर से लेकर 45 ईयर के बीच में जो है मांगी गई है। साथ में जो कैटेगरी है
उनको जो है इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है, आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन मोड से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अधिकतर जानकारी के लिए जो इन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिए हैं उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो पूरी पीडीएफ है आपको डिटेल में जानकारी इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट है उसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।